ये आज मच्छी का मुंदा लाया हूँ। मच्छी का मुंदा का करी बनाएंगे। ये हो गया मटर, हरा मटर, ये लहसुन अदरक का, और ये टमाटर थोड़ा लिया है, आलू, ये पासपूरन भी देंगे थोड़ा, हरी मिर्च है, प्याज, इसमें लौंग इलायची लिया है, और इसमें है ग्राइंडिंग किया हुआ मसाला, जीरा है, मिर्चा है, और ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पेपर भी है, और ये ले लिया हल्दी, ये ले लिया नमक, तेल, और इसमें लौकी देंगे। अभी हम लोग चूल्हा जलाएंगे, अभी गैस पर जलाएंगे। ये बिठा दिया कढ़ाई, ये सब रेडी कर लिया है हम लोग, जो भी चाहिए मच्छी के मुंडी पकाने के लिए। मच्छी के मुंडी का रेसिपी बनाएंगे। खुरचा, ये जितना भी जो भी चाहिए पूरा ले लिया है, सिर्फ अभी पकाना है। अभी तेल डालेंगे, पहले मच्छी के मुंदा फ्राई कर लेंगे। मुझे हिंदी कम आता है तो गाइस इसलिए खराब मत पाइएगा, हिंदी मुझे बोलना कम आता है। अभी तेल गरम हो चुका है, अभी हम लोग मच्छी के मुंडी फ्राई करेंगे। ये होने वाला है, पक रहा है, ये पक ही गया है, अभी इसको उठा के रख दूंगा। अभी फ्राई किया हुआ पूरा पक गया है, तो उठा के अभी रखेंगे। ये पासपूरन दिया है, मेरा प्याज, हरी मिर्ची, लौंग इलायची, अदरक का पिसा हुआ, देंगे हल्दी,
अपना स्वाद से हल्दी दे सकता है। इसे थोड़ा पकने देंगे अभी ऐसे ही। थोड़ा अभी मसाला का ग्राइंडिंग किया हुआ जो रखा था वो उसको भी दे देंगे। इसमें जीरा है, धनिया है और ब्लैक पेपर भी है और मिर्चा भी है। पक रहा है। अभी नमक डाल दिया। अभी पक गया है। मच्छी का मुंडी अभी डाल देंगे इसमें और पकाएंगे। वैसे भी मच्छी का मुंडी पका हुआ है फ्राई में ही। अभी इसको मिलाते हुए थोड़ा पानी भी डाल देंगे ताकि अच्छे से ढीले हो जाए। आप लोग भी एक बार पका के खा के देखिएगा। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है। खाने से फिर खाने के लिए मन करेगा। इसमें अभी पानी डालने के लिए रेडी हूँ। पानी देंगे भी बस। इस पानी को सूखने देंगे। अभी पकने भी देंगे। पकते पकते सूख जाएगा पानी, खाने के लिए लायक हो जाएगा। अभी पकते पकते खाने लायक हो जाएगा। खुशबू ही खुशबू, अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी खाने के लिए मन हो रहा है। जो जो अभी टूटा नहीं है बड़ा पीस वाला को थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे ऐसे करके, तब जाके और अच्छा लगेगा। पकने वाला ही है अभी। सुंदर खुशबू आ रहा है। कलर भी अच्छा कलर ले लिया है। और थोड़ा देर पकने देंगे।
भाग गया है अभी, अभी सिर्फ खाना है। अच्छा फ्लेवर हुआ है, स्मेल भी अच्छा रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। बस अभी हम लोग खाने वाला है। अभी स्टोव बंद करेंगे, हो गया है खाने लायक। अभी खाने के लिए तैयार है। ये हो गया चावल, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और जो मच्छी की मंदी पकाया हूँ लौकी के साथ। हमारे यहाँ इसे मुरी घंटा भी कहते हैं। और खाने के बाद दो केला खाएंगे। गाइस अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।